नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौतमी और गौतमी रेसिपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, जैसे कि इवनिंग छोटी सी भूख के लिए मैं नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि दो बची हुई रोटी है मॉर्निंग की, तो इसका मैं नाश्ते का रेसिपी बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। बारीक कटी हुई गाजर, टमाटो और अनियन, गार्लिक और कोथिंबीर मैंने यहाँ पर ले ली है। वैसे ही मैंने दो जो चपाती ली है, बड़ी साइज़ की चपाती है, तो इसको इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके प्लेट में ले लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेके आती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। तो अभी देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड फॉलो करना है। तो इस तरह से आपको सारे टुकड़े टुकड़े कर लेने हैं। मिक्सर का जार लिया, मिक्सर के जार में मैंने इस तरह से टुकड़े सारे डाल दिए हैं चपाती के, और इसको मिक्सी में मिक्स कर दिया है। दरदरा सा ऐसा इसको बना लेना है। तो इस तरह से हमारा चूरमा जो है रेडी हो गया है। चूरमा हमारा रेडी हो गया है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, कढ़ाई लेने वाले हैं। कढ़ाई में लगभग मैंने यहाँ पर एक चम्मच जो है तेल ले लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं एक चौथाई चम्मच जो है राई। राई के बाद एक चौथाई चम्मच जो है हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा जैसे ही भून जाएगा तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जैसे ही भून जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। धनिया को थोड़ा सा मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है, वो भी एक चौथाई चम्मच जाएगा। ज़्यादा अगर डालोगे तो इतना टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद मैंने आधा जो है कट किया हुआ प्याज यहाँ पर ले लिया है। प्याज के साथ साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है बारीक कट की हुई गार्लिक और मिर्ची। दो से तीन हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है। इसको भी अच्छे तरीके से मीडियम से लो फ्लेम के बीच में हमें अच्छे तरीके से घुमाते हुए पका लेना है। थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे टमाटो और गाजर। तो ब्राउन कलर का ये हो चुका है, तो अभी इसमें ऐड करूँगी मैं टमाटो और गाजर, दोनों साथ ही में मैंने ऐड कर दिए है। हल्का सॉफ्ट होने तक इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। पक गया है, पक जाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है हल्दी पाउडर। लगभग आधा से कम चम्मच मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। एक से दो मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। स्वाद अनुसार नमक हम इसमें ऐड करेंगे, लगभग एक चौथाई चम्मच वो भी नमक भी इसमें ऐड करेंगे, और चम्मच के माध्यम से इसको भी अच्छे तरीके से घुमा लेंगे। चलो बारी आती है चूरमा की। चूरमा मैंने इसमें सारा डाल दिया है। लगभग अभी दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पकाना है। थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ऊपर से मैंने बारीक कट करी धनिया इसमें ऐड कर दी है। इसमें धनिया की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, तो धनिया ऊपर से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। मूंगफली भी आप इसमें ऊपर से डाल सकते हो, मूंगफली ऑप्शनल है। मैंने इसमें मूंगफली नहीं डाली है। अगर आप चाहो तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हो, नट्स भी डाल सकते हो। तो इस तरह से लगभग दो से तीन मिनट के बीच में इस तरह से घुमाते हुए मैंने पका लिया है, थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक, मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में। हाई फ्लेम अगर रखोगे तो आपका जो चूरमा है वो जल के कड़वा टेस्ट आएगा इसका। तो इसको मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में आपको ध्यान रखते हुए पका लेना है इस तरह से जो है। तो दोस्तों, इस तरह से चपाती का जो बचा हुआ रोटी का चूड़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरह से आपके घर में अगर अवेलेबल या फिर बची हुई रोटी है तो इसका इस तरह से नाश्ता बनाकर घर वालों को खिला सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आपका खाना जो है वेस्ट होने से आप बचा सकते हो, और इससे कुछ मज़ेदार नाश्ता बनाकर आप खुद इंजॉय कर सकते हो। तो हमारी जो आज की रेसिपी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट भी आप मुझे बता सकते हो कि रेसिपी कैसे बनी थी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।